अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं 99 न्यूज। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मुरीद के टिम्बर मार्केट में साबिक वफाकी वज़ीर राणा तनवीर हुसैन के पुरस्कार का इस्तकबाल किया गया। इंतखाबी जलसा आम से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर राणा तनवीर हुसैन ने कहा है कि 2018 के इलेक्शन में अपने सियासी हरीफों को अपनाक शिकल से दो चार करेंगे। सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वालों को आवाम मुस्तरद कर देगी। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। किसी लोटे को वोट देंगे? किसी बेसूल सियासतदान को देंगे वोट? हमें शर्म आती है जब टीवी पे ये बात सुनते हैं, टीवी पे बात होती है कि असम्बलियों में वफाद परस्त बैठे हुए हैं, असम्बलियों में चोर और डाकू बैठे हुए हैं, असम्बलियों में बेसूल सियासतदान बैठे हुए हैं। ये टीवी में सुनते हैं आप जी, मुझे शर्म आती है। मैं आपको दिली दुख होता है, लेकिन ये क्यों लोटे वहां बैठे होते हैं, क्यों बेसूल और बेजमीर और मुफाद के लोग बैठते हैं? ये इसलिए कि ये लोटे बनते हैं, हम फिर भी इनको वोट देते हैं। जब हम इनको वोट नहीं देंगे, असम्बलियों में कोई लोटा नहीं जाएगा, असम्बलियां साफ सुथरी हो जाएंगी और अल्लाह के फजल से कोई उंगली नहीं खाएगा। ये हमारा फर्ज कि हमने सियासतदान साफ सुथरे आके भेजने, जो असूल में खड़े रहते हैं। मैं आपके सामने 35 साल से खड़ा हूं, जेलें मैंने काटी है, नुकसान उठाए हैं, कारोबार तबाह किए हैं, एक असूल की खातिर, एक करदार की खातर, कोई परवाह नहीं की जिस्मानी तकलीफ की, कोई माली नुकसान की। ये तो टिके पे फेंकते हैं, ये तो छोटे छोटे मफाद की खातर अपने प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं। ये आप मुझे बताएं, ये आपके आप नीचे वाले सरदार लोग हैं, किसी बेसूल किसी लोटे को ये वोट नहीं देंगे, अल्लाह के भले नहीं देंगे।